आज ही डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें डाउटनेट पर होगा अब आपके सभी मैथ्स केमिस्ट्री फिजिक्स और बायोलॉजी डाउट का सफाया बस अपने क्वेश्चन की फोटो खींचो उसे क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ डाउनलोड नाउ यहाँ पर हमसे क्वेश्चन में कहा हुआ है कि दिए हुए फिगर में ह्यूमंस के एम्ब्रियो डेवलपमेंट के स्टेजेस हमें बताए हुए हैं और हमें चारों ऑप्शंस में से सेलेक्ट करना है कि ए और बी के सही फंक्शंस हमें यहाँ पर किस में दिए हुए हैं किस ऑप्शन में तो ये तो हम जानते ही हैं कि ह्यूमन बींग्स में जो सेक्शुअल रिप्रोडक्शन की प्रोसेस होती है उसमें हमें बाकी सभी सेक्शुअली रिप्रोड्यूसिंग ऑर्गेनिजम्स की तरह फर्टिलाइजेशन नाम का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट इवेंट देखने को मिलता है जहाँ पर मेल और फीमेल गेमिट्स यानी स्पर्म और एग आपस में फ्यूज़ करके जाइगोड बना देते हैं और ह्यूमन्स के केस में फर्टिलाइजेशन की जो साइट होती है वो फीमेल बॉडी में फेलोपियन ट्यूब का यानी ओविडक्ट का एम्पिला और स्थमिस का जंक्शन है तो फेलोपियन ट्यूब के अंदर ये जाइगोट की फॉर्मेशन होती है और इसके बाद ये जो जाइगोट बनता है ये रिपीटेडली माइटोटिक डिविजन शो करता है जिनको हम क्लीवेज कहते हैं तो ये फेलोपियन ट्यूब के थ्रू मूवमेंट कर रहा होता है और क्लीवेज करके अपने अंदर नंबर ऑफ सेल्स बढ़ा रहा होता है क्योंकि दो हेप्लॉयड गमीत के फ्यूज करने से ही हमारे पास डिप्लॉयड जयगोड जो मिला है ये रिपीटेडली जब डिवाइड करेगा तो इसमें टू टू सिक्सटीन सेल्स की जो स्टेज होती है इस स्टेज पे हम अपने जयगोड को मॉरेला का नाम देते हैं लेकिन फर्दर ये मोरेला भी माइटोटिक डिविजन्स करता रहता है रिपीटेडली और फाइनली जैसे जैसे ये यूट्रस की तरफ मूव कर रहा होता है ओविडक्ट्स के थ्रू हमें ब्लास्टोसिस्ट नाम की एक स्टेज मिलती है तो मोरिला जब फर्दर डिविजन्स करता रहता है तो हमको ब्लास्टोसिस्ट मिलता है और यहाँ पर क्वेश्चन में जो हमें एम्ब्रियनिक डेवलपमेंट में डिफरेंट स्ट्रक्चर्स के नाम दिए हुए हैं इनर सेलमास और ट्रोफोब्लास्ट ये दोनों हिस्से हमारे एम्ब्रियो डेवलपमेंट में ब्लास्टोसिस्ट स्टेज में ही हमको देखने को मिलता है क्योंकि ब्लास्टोसिस्ट में जो एम्ब्रियो के सेल्स होते हैं उनको हम दो पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं बाहर की तरफ एक ट्रोफोब्लास्ट नाम की लेयर बना रखी होती है इन सेल्स ने जबकि अंदर की तरफ हम देखते हैं कि सेल्स का एक ग्रुप होता है जिसको हम इनर सेल मास कहते हैं तो आगे जाके होता यही है कि ये ब्लास्टोसिस्ट ये एम्ब्रियो जब यूट्रस में पहुंच जाता है तो ये ट्रोफोब्लास्ट लेयर के जो सेल्स हैं ये तो जाके एंडोमेट्रियम में यानी यूट्रस की जो इनर वॉल है उसमें जाके जुड़ जाते हैं और इनर सेल मास आगे जाके फर्दर सेल डिविजन्स कंटिन्यू करता रहता है रिपीटेड माइटोटिक डिविजन्स इसमें चलती रहती हैं जिससे ये एम्ब्रियो बना देता है तो फाइनली जब यूट्रस में पहुंच गया ये ब्लास्टोसिस्ट और ये एंडोमेट्रियम में जाके ट्रोफोब्लास्ट लेयर चिपक गई तो यूटरस के भी जो सेल्स होते हैं एंडोमेट्रियम के ये रिपीटेडली डिविजन करते हैं और इस ब्लास्टोसिस्ट को इनक्लोज कर लेते हैं कवर कर देते हैं इसी प्रोसेस को कहते हैं कि अब फीटस की मदर बॉडी में इम्प्लांटेशन हो चुकी है तो यहां पर दिए गए ऑप्शन में से ब्लास्टोसिस्ट के जो दो डिफरेंट पार्ट्स हैं ट्रोफोब्लास्ट और इनर सेल मास इनके फंक्शंस किसमें करेक्टली बताए हुए हैं ऑप्शन डी यहाँ पे हमारा सही आंसर हो जाएगा हमारे ट्रोफोब्लास्ट का फंक्शन है, है? है तो यहाँ पर ऑप्शन डी हमारे ह्यूमन बींगस के एम्ब्रियो डेवलपमेंट की जो ब्लास्टोसिस्ट स्टेज है उसके बारे में बिल्कुल करेक्ट है क्लास सिक्स से लेके नीट आई आई टी जेन्स और एडवांस के लेवल तक 10 मिलियन से ज्यादा स्टूडेंट्स कवर हो आज ही डाउनलोड करें डाउट नट या व्हाट्सएप कीजिए अपने डाउट्स आठ चार सौ चार सौ चार सौ पर